अहमदाबाद का शमी आपसे बहुत गहरा नाता है, गुजरात टाइटन्स टीम में आप हैं, आपकी टीम 2022 में आईपीएल जीती, 2023 में आप फाइनल्स तक पहुंचे थे, इस बार टीम में नए कैप्टन हैं शुभमन गिल, आपकी यू नो उनकी कैप्टनसी और आपकी टीम इस तरह का किस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है अब इस बार अंडर द न्यू कैप्टन? देखिए जहां तक नई टीम के साथ सवाल होता है, सबसे पहले साल जब ये लोग आए तो सबने यही बोला था नई टीम है, मुझे लगता है यहाँ भी आधे लोगों ने तो यही कहा होगा सारे बॉलर इकट्ठे कर लिए हैं, बोला था सबके मन में सब हंस रहे हैं इसका मतलब था मन में आपके, तो मे बी 70% इंडिया में लोगों ने यही बोला था कि सारे बॉलर्स इकट्ठे कर लिए हैं, इनसे क्या होगा, ये सबसे नीचे रहने वाले टीम रहेगी शायद इस आईपीएल की, ये सोच तो थी, ये मैं सुन भी चुका हूँ देख भी चुका हूँ, लेकिन उस टीम ने जो चेंजेस दिखाए आपको, जो आपके दिमाग को, जो आपके दिमाग से खेली वो टीम, वो चैंपियन होकर रुके, अगले साल सेम टीम थी, सेम फाइनल गए हम, जब फाइनल वो लक में शायद नहीं था बट आप विनर बोल सकते हो, नहीं पर स्पोर्ट्स है उसमें तो हार जीत लगी रहेगी। जहां तक ये साल का सवाल है, शुभमन का सवाल है, देखो शुभमन सारे लड़कों के साथ खेला है, ऐसा नहीं है कोई नए लड़के हों, एक दो चेंजेस हमेशा होते हैं टीम के अंदर बट किसी ना किसी को लीडरशिप दी जाती है, क्योंकि मेरे ही भरोसे अगर कोई बैठा रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा उसके लिए भी कि जो जिम्मेदारी जो उसको लीडरशिप दी गई है, पेशेंस के साथ, एक भरोसे के साथ, अपने लड़कों के साथ भरोसा दिलाकर, उनको देखकर भरोसा, वो अपने स्टेप को आगे ले, क्योंकि आपकी टीम का बैलेंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको बस कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है।